युवा दिनों की धड़कन, युवा सुपर स्टार अरुण गंगा जी, आज एक नई शुरुआत हुई है एक नई फिल्म की। फिल्म का नाम है स्वारिया। नाम ही एक अलग लगे, क्या कहना था, किसको स्वारी बोलने वाले हैं, किस तरह होता है। गोरखपुर की धरती, बाबा गोरखनाथ जी की धरती पर हुई है। सबसे पहले जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम, और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में हमारी नई फिल्म सॉरी यार की आज मुहूर्त हुई और कल से इसकी शूटिंग है। तो आप देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे डायरेक्टर नीरज अंधीर सर हैं, इनके बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि पत्थर के सनम से जुड़े हम लोग, और आज ये हमारी तीसरी फिल्म है, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। तो एक साथ इन्होंने भी दूसरे के साथ नहीं, हमारे साथ ही हैट्रिक लगा, तीनों के तीनों लगातार फिल्म हमारे साथ किया, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। एक परिवार की तरह हैं, गार्जियन की तरह हैं, और फिल्म के बाद भी ऐसे बहुत कुछ होता है जो सीखने को होती है, तो ये लोग सिखाते हैं और परिवार की तरह काम कराते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है, और उम्मीद है कि ये फिल्म हम लोग दिन प्रतिदिन अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी फिल्म बहुत अच्छी बनाएंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। क्या किरदार है इसका? किरदार देखिए, हम पहले तो नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि सॉरी यार हमारे टाइटल ये सॉरी यार, तो हम चाहते हैं कि हर फिल्म में एक कोई ना कोई संदेश होता है, तो इस फिल्म में भी संदेश रहेगा। रोमांस सीन होंगे ही, कॉमेडी होगा ही, एक्शन होगा ही, हर फिल्म में जो होता है। लेकिन आप सभी को ये फिल्म जब बन के आप सभी के बीच ट्रेलर आएगा या फिल्म रिलीज होगी, तो ही आप सबको देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि पहले अगर हम बता दें कि क्या इसकी कहानी है, तो फिर वो जो एक्साइटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। रामचंद्र जी सॉरी यार मैं नहीं बता सकता। प्रीति जी, पहली बार आप और मुझे एक साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्या कहने में, कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर के और ये जोड़ी को लेकर के? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, और यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल्लू जी के साथ काम करने के साथ। बहुत पहले ऐसा एक बना था बट हम काम नहीं कर पाए थे, बट फाइनली वी आर डूइंग जॉब और विद रणधीर जी एंड नीरज जी। और दो साल पहले भी हम काम करने जा रहे थे पर वो भी नहीं हो पाया, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फिलहाल ये सॉरी यार को लेकर, बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कल्लू जी ने बोला सॉरी यार। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में इसका पूरा शूट होगा, टोटल यूपी में 100% शूटिंग होगी, और सबसे बड़ी बात कि 90% आर्टिस्ट गोरखपुर ए यूपी से बिलोंग करते हैं। स्थानीय कलाकारों को मौका देने के लिए किस तरह से योजना मुझे लगता है कि 25% पार्ट में, फिल्म के पार्ट में लोकल आर्टिस्ट नजर आएंगे। जैसा कि लगातार सरकार कह रही है कि फिल्म सिटी को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर अभिनेताओं को बुलाया जा रहा है, डायरेक्टर को बुलाया जा रहा है, तो सरकार का किस तरह से सहयोग आपको मिल रहा है गोरखपुर में या पूरे उत्तर प्रदेश में? बहुत मिल रहा है, आज गोरखपुर में 6 फिल्मों की शूटिंग हो रही है, इतना सहयोग मिल रहा है कि निर्भीक होकर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि फिल्म बंधु के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने एक नई क्रांति, नई जागृति और लोगों को और यहाँ के टैलेंट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि फिल्में कहीं पर बनाई जा रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कलाकारों को, यहाँ के जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं, उन सबको योगदान दिया जा रहा है, और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री की रीढ़ बन गई है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म बंधु में एक रीढ़ बन गई है। एक प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, और योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरीके से फिल्म को लेकर प्रस्थान है, नोएडा में जो उन्होंने फिल्म सिटी शुरू करने का अपना संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ साथ हमारा ये भी आग्रह है कि वो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे लघु फिल्म सिटी जो है जगह जगह पे एक पूर्वांचल की तरफ बना दें, एक बुंदेलखंड की तरफ बना दें, एक लखनऊ के आसपास बना देंगे, इससे और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। आज अगर पूरे देश में जितनी भी फिल्में बन रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली 50% फिल्में जो है वो उत्तर प्रदेश में बन रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, फिल्म बंधु को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और यहाँ के सबसे ज़्यादा कलाकारों को। जहाँ तक आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को, वो लोगों को काम दिया जा रहा है, ऑलमोस्ट जहाँ तक 90% जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वही इस फिल्म में काम कर रहे हैं, और यहाँ के स्थानीय लोगों की जहाँ तक बात की जाती है तो स्थानीय लोग आज के समय पर
और पिछले कोरोना का जब भी हम महामारी से गुजरे हैं उसके बाद से जितनी भी फिल्में शूट यहाँ पर हो रही हैं ज़्यादातर स्थानीय कलाकारों को स्थानीय प्रतिभाओं को लगातार सहयोग किया जा रहा है और उनसे हम भी कुछ सीखते हैं वो भी हमसे कुछ सीखते हैं। इस तरीके का एक तालमेल बनाकर एक सेतु की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। सर बात करें जो है भोजपुरी सिनेमा में पहली बार डायरेक्टर जोड़ी काम कर रही है और सुपरहिट फिल्में लगातार दे रही, क्या कहना चाहेंगे? नीरज रणधीर, नीरज रणधीर जैसे कि इनका जैसा नाम है ये दोनों अलग ही नहीं, कहते हैं कि एक और एक दो होते हैं, मैं इन दोनों को देखता हूं तो एक और एक ग्यारह होते हैं। ये एक दूसरे के अंदर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनके अंदर कि मैं इनके साथ दूसरी पिक्चर करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी की थी और बरसात के मौसम और इतना इतना रोमांचक और इतना अच्छा स्थल था वो सोनभद्र का और गोरखपुर के भी, गोरखपुर में तो हमारा गोरक्षा और हमारा यहाँ पर बहुत ही स्वयं योगी आदित्यनाथ जी का स्थान है, ये तो यहाँ ये भी पवित्र स्थली है, हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पवित्र स्थली है यह, तो यहाँ पर भी इतने अच्छे लोकेशन है, इन लोकेशन के माध्यम से और इन दोनों की केमिस्ट्री है तो ये फिल्म बहुत अच्छी है। पत्थर के सनम भी बनाई इन्होंने, टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी बनाई और अब आपके सामने जो ये सॉरी यार लेके आ रहे हैं ये बहुत ही पारिवारिक रोमांचक और प्रेरणादायक कहीं ना कहीं एक संदेश छोड़ने वाली फिल्म है। इन दोनों की जोड़ी बेमिसाल, बस इतना ही कह सकते हैं। ये सर बात करें आपसे जो है, जैसे आपने बताया पत्थर के सनम, फिर टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी और क्या जरूरत में जो सॉरी भी बोलने हर मूड की फिल्म बननी चाहिए। हम जो भी पत्थर के सनम बनाए तो पत्थर के सनम एक अलग फिल्म थी, टेढ़ी मेढ़ी बनाया वो एक अलग फिल्म थी और सॉरी यार बना रहा हूँ ये एक अलग थी। तीनों के सब्जेक्ट कहीं किसी से मैच नहीं करते। कितना यूनिटी स्टोरी होगा? फुल सिचुएशनल कॉमेडी है। मैं किसी को लॉन्च नहीं करता, मैं एक माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से कलाकार अपनी प्रतिभा को रखते हैं और जिनमें टैलेंट होता है वो आगे बढ़ते हैं। प्रेम जी आप क्या कहना चाहेंगे? समय बहुत हो गया है, सॉरी यार। हमारे तीनों फिल्म में ये हमारे साथ रहे हैं। सॉरी और अलग 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 में रहे। मेरा भी पत्रकारों से ये कहना है कि वो भी जिस तरीके से फिल्म बंधु काम कर रही है वो भी अपने इसका प्रचार प्रसार में कोई कमी ना रखे क्योंकि बहुत निष्पक्ष बहुत साफ सुथरा काम हो रहा है। किसी किस्म का इसमें कहीं भी ऐसा गोरखपुंडा नहीं हो रहा है जैसा कि लोग माने, ये बहुत पाक साफ फिल्म बंधु काम कर रहा है। तो आप लोगों के सहयोग से भी ये संदेश हमारे देश में और देश के विदेश भी जाना चाहिए कि विदेशी लोग भी आकर यहाँ पर शूटिंग करें, उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं और यहाँ की जो बीच है उसको रोपित करके बड़ा वृक्ष बनाएं। यही समर्थ जी आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी यार नीचे बैठे हैं। सॉरी यार, बस सॉरी यार, क्यों सॉरी यार? गेटा पावर के जो है क्या कहना चाहेंगे? सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी यार। डायरेक्टर जोड़ी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए पहली पिक्चर क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी प्रेम का पत्थर के सनम, पत्थर के सनम, फिर टेढ़ी मेढ़ी प्रेम, मतलब ये एहसास हुआ कि पत्थर के सनम, फिर ये एहसास हुआ कि टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी, फिर ये एहसास हुआ सॉरी यार। अगला स्टेप क्या होगा आपके अनुमान लगा सकते हैं? आओ वेलकम करें। टाइटल खुलासा, तो चोरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छा बनेगा, बस जो भी होगा क्रिएटिव बनेगा। ऐसी ये फिल्म जो बनाते हैं ना बिल्कुल पारिवारिक फिल्म, इसको पूरा परिवार एक साथ देख सकता है, ये अच्छी बात है। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धा जी मैं क्या कहूँगी, सब लोग सॉरी यार कह रहे हैं तो मैं भी बोलूँगी सॉरी यार। मतलब ये यूनिक होने वाला है, जन जन की जुबान पे चढ़ने वाला है। मैडम जी नंबर जी सॉरी यार, हम लोग फुली सपोर्ट कर रहे हैं सॉरी यार को। सॉरी यार कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? नमस्कार, राम, मैं हूँ प्रेम दुबे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी नीरज रणधीर जी जो भी पत्थर के सनम के जैसे आप लोगों ने प्यार दिया था वैसे टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी को भी दें, आने वाली है फिल्म रिलीज के तैयार पे है और सॉरी यार को भी खूब सारा सपोर्ट दें, प्यार दें।
सबसे यही कहेंगे कि बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे और हम लोग एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे और अच्छी फिल्मों का आप लोग सपोर्ट कीजिए और फिल्म जब भी रिलीज हो थिएटर में जाइए और डिजिटल ज़माना है लेकिन थिएटर में जाएंगे तो और भी हम लोग को अच्छा लगेगा। और गोरखपुर में मैंने यहाँ पे पहले भी शो किया है, बहुत अच्छे यहाँ के दर्शक हैं और जो सपोर्ट यहाँ पे मिलता है तो हम लोग चाहेंगे कि ये सॉरी यार से हम लोग की शुरुआत हुई है लव यू यार तक चले आजीवन चले, तो ऐसे आप लोग प्यार मिलता रहे और सॉरी यार को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। आने वाली फिल्में हमारी टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी है, पहले तो हमारे नीरजन धीर सर ने बनाई है और इसके बाद विजेता है, कल्लू की दुल्हनिया, आन बान शान, बहुत सारी पिक्चरें हैं। अब कोरोना काल ख़त्म हुआ है, धीरे धीरे रिलीजिंग पे सारी फिल्में हैं और भगवान ना करे कि ऐसी महामारी फिर से दोबारा आए, क्योंकि बहुत मेहनत बहुत कठिन के बाद हम लोग उभरे हैं और अब हमारी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, बस इसको स्पीड पकड़ा दीजिए, आप लोग के हाथ में है। मैंने पहले ही बोला कि ये परिवार है हमारे, एक हमारे माँ है तो एक हमारे पिताजी हैं और हमारे, मैं बता दूँ कि जो हमारे पिताजी हैं इस सेट पे भले आए चाहे ना आए, अगर हमारा बड़ा भाई आए चाहे ना आए, लेकिन ये लोग रहते तो कभी एहसास नहीं होता कि हमारे साथ कोई हमारे घर का नहीं है। जब मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हुई थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो फर्स्ट टाइम मैं अगर किसी सेट पे गया था तो इन्हीं लोग के सेट पे गया था और जो सपोर्ट जो साथ मिला वहाँ से एक हिम्मत मिली, नहीं तो मैं हिम्मत हार गया था। तो इन्हीं लोग के फिल्म से मेरे में एक नई ऊर्जा आई, नई हिम्मत आई और जो इनका टीम है, चाहे वो DOP हो, हमारे जैकी पाजी हो या जितने टेक्नीशियन टीम हैं, या हमारे पदम सर हैं, समर्थ भैया पीछे बैठे हुए, प्रेम सर, प्रीति जी पहली बार जुड़ी हैं, जितने भी टीम हैं, चाहे स्पोर्ट बॉय से लेके या जितने सारे लोग मेकअप आर्टिस्ट जितने लोग हैं, सब लोग इतने अच्छे से रहते हैं इनके सेट पे खास करके, तो कब फिल्म ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस हम यही चाहेंगे कि जो हमारा साथ है आजीवन हम लोग का ये साथ बना रहे और अच्छी अच्छी फिल्म पत्थर के सनम, टेढ़ी मेढ़ी, सॉरी यार और आगे भी 2-3 पिक्चर बताएंगे, नहीं 2-3 क्या, भगवान करे इसमें 3-0 नहीं 3-00 लग जाए, 300 फिल्म साथ में बनाए, हम बताएंगे नहीं सॉरी यार। दिवाली आ रही है, छठ पूजा है और ये सारे आपके गाने भी छठ के आ रहे हैं, अब क्या, बस प्यार मिलता रहे और दीपावली छठ सब इसी सेट पर मिलेगा, परिवार के साथ मनेगा, तो इसके लिए हमारा एक परिवार अगर घर पर तो एक परिवार ये है और इस परिवार के साथ छठ दीपावली मन रहे तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। छठ की पारंपरिक गीत है, हम सभी लोग गाते हैं शुरू से, बचपन से लेकर अभी तक सुनते आ रहे हैं, चाहेंगे आप लोग भी साथ दीजिएगा। काचा ही बास के बहनिया बहनी लच कहते जा, बहनी लच कहते जा, प्रेम से बोले छठी मैया की जय। जैसे कि आपकी जोड़ी है नीरज रणधीर, एक जोड़ी भोजपुरी सिनेमा में, और जब भी आप आते हैं ये जोड़ी एक नया धमाल होता है, नया सिनेमा होता है, उनको भोजपुरी सिनेमा लगता है कुछ अलग फिल्म बन रही है, तो क्या कहना चाहेंगे जो आज एक नई शुरुआत की आपकी भोजपुरी में तीसरी फिल्म है कल्लू जी को लेकर के, कह सकते हैं आप और कल्लू जी का हैट्रिक है ये फिल्म, सॉरी यार क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो सुन रहे हैं देख रहे हैं सारे दर्शकों को नमस्कार, बहुत अच्छी फिल्म बनाने जा रहा हूँ। पत्थर के सनम अलग सब्जेक्ट था, टेढ़ी मेरी प्रेम कहानी एक अलग सब्जेक्ट था, सॉरी यार एक अलग सब्जेक्ट है। एक लफ्ज़ है सॉरी, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, लेकिन इसके ताकत को लोग कम समझते हैं, बहुत मैजिकल वर्ल्ड है ये वर्ड, आप बोल दीजिए तो पुश्तैनी का झगड़ा 2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, ये हमने इस फिल्म में दिखाया है। और आजकल जान ही रहे हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में सब्जेक्ट पे बहुत काम हो रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी सब्जेक्ट आ रही है, संबंधों की पेचीदगियों पे, भावनाओं की अतिरंजिता पे, तो मैंने ना ऐसे में सोचा कि एक हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्म है ना, तो कॉमेडी जोनर की फिल्म हमने चुना कि इस बार कॉमेडी जोनर की फिल्म दी जाए, और यही है सॉरी यार, ये सिचुएशनल कॉमेडी है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं ना कि सुनते आए हैं कि सच्चाई परेशान हो जाता है और लास्ट में झूठ हारता है, लेकिन इस बार क्या है कि सच्चाई सहजता में है, सच्चाई सहज है, झूठ को उसने मान लिया सहजता से कि नहीं आप सत्य हो, झूठ पे सच्चा आदमी इतना विश्वास करने लगा कि अब झूठ में बेचैनी हो गई कि मुझे अपना वजूद खड़ा करना होगा,
और कैसे कैसे झूठ अपना वजूद खड़ा करता है, इससे जो सिचुएशन पैदा होता है बहुत अच्छा इसमें सिचुएशन बन रहा है और बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है। आप सर क्या कहना चाहेंगे जो कल्लू जी बोलेंगे ही आप फिल्म बनाते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी तक का हम लोगों का वो समय कहिए, क्योंकि हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं व्यस्त हैं आज के समय में, तो मेरे बनाने के टाइम में जो फ्री हैं और हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, अभी दरअसल जितने भी सब्जेक्ट है कल्लू जी से बड़ा मैच करते हैं और हमारा अपना केमिस्ट्री भी है तो साथ में करते हैं। इस बार मेरी हीरोइन चेंज कर दी आपने। नहीं बहुत कुछ चेंज है, बहुत कुछ चेंज, तो जैसे जैसे करेक्टर आते हैं उस हिसाब से चेंज, हाँ स्टोरी के हिसाब से सारे एक्टर को हम लोग ये करते हैं हमेशा, ये नहीं होता है कि हाँ भाई चलिए इन्हीं को रख लेना है, इन्हीं को ये करना है, ये हमारी आदत भी नहीं है। मुझे पूरी इंडस्ट्री से मेरा बहुत अच्छा संबंध है और बहुत मुझे प्यार मिलता है, सारे लोगों का समर्थन होता है, जो फिल्म में है और जो फिल्म में नहीं है सब लोगों का सपोर्ट होता है, तभी जाके मेरी फिल्म अच्छी बन पाती है, हमारे पूरे टेक्नीशियन का सपोर्ट होता है। सर बात करें लॉकडाउन के पहले भोजपुरी सिनेमा एक अलग जूनियर बन रहा था, इंडस्ट्री के अलग आबा हुआ थी, लॉकडाउन पर टोटली चेंज हुआ है, इस बदलाव में क्या करें भोजपुरी सिनेमा, लॉकडाउन के बाद आप किस नजरिए से देखते हैं भोजपुरी सिनेमा? लॉकडाउन ने तो पूरी इंडस्ट्री पे चाहे वो किसी भी भाषा की इंडस्ट्री हो बहुत बुरा असर डाला है, लेकिन ये है हमारा दर्शकों की ताकत, भोजपुरी फिल्म के दर्शकों की ताकत कि भोजपुरी फिल्म उभर आई इससे और बहुत तेज़ी से उभर रही है, और इस सबसे बड़ी वजह है हमारे दर्शकों का प्यार, वो देखना चाहते हैं और इसलिए बड़ी मजबूती के साथ ये झटका जब बर्दाश्त कर गया तो अब आगे भोजपुरी फिल्मों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आज के डेट में सारे मेकर्स मेहनत कर रहे हैं, सारे हीरो मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छी अच्छी फिल्मों को दे रहे हैं। सब्जेक्ट का तो इतना वेरिएशन भोजपुरी में हो रहा है, इतने सब्जेक्ट पे काम चल रहे हैं कि देख के लगता है कि हाँ अब ना जिम्मेदारी। हाँ बात करें जैसे कि अभी पत्थर सनम रिलीज हो गई, टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी आने वाली है, उस फिल्म का थोड़ा प्रकाश डालते हैं। टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी बहुत अच्छी है, वो जर्नी फिल्म है, वो एक जर्नी फिल्म है और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, उसका स्टोरी मत ये करें रिवील मत करें, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत अच्छी लव स्टोरी है। टाइटल का भी यूनिक सोचते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी कैसे कुछ अलग ही दिमाग में आता है, ऐसे ख्याल कहाँ से इस सब सब्जेक्ट पे काम करने का? वो लिखते लिखते होता है कि यह शब्द रखा जाए, लिखते लिखते होता है कि ऐसा नाम रखा जाए। टाइटल का बहुत ये रहता है, टाइटल हमारे स्टोरी से रिलेटेड होना चाहिए, हम पूरी टीम को जो लोग काम करने वाले तो पूरी टीम को स्टोरी सुनाते हैं, फिर उसमें से होता है कि सर ये टाइटल रखा जाए, फिर हम लोग चुन लेते हैं कि एक टाइटल ये रखा जाए। ये जो सॉरी आ रहा है इसमें म्यूजिक का कितना बड़ा क्षेत्र होगा और मैसेज क्या होगा उसका? म्यूजिक छोटे म्यूजिक पे हम हर फिल्म में काम किए हैं और अब ये कहेगा कि तीनों फिल्म में हमारे म्यूजिक भी छोटे बाबा ने ही दिया है, हालांकि पत्थर के सनम में रजनीश भैया का म्यूजिक रहा, तो हमारा जो म्यूजिक को लेकर के ये होता है ना, हम लोग शुरुआती दौर में बहुत मेहनत करते हैं इसमें, छोटे बाबा का बहुत सहयोग है और अच्छी चीजें बनती है, हमारी उनकी केमिस्ट्री ऐसी है कि अच्छी चीज बनाती है, लोगों को पसंद आती है। गोरखपुर में शूटिंग कर रहे हैं, बाबा गोरखनाथ की धरती है, ये हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनका क्षेत्र है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मतलब एक तो भोलेनाथ का क्षेत्र है तो उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो भोलेनाथ ही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत फिल्मों पर ध्यान है कि इंडस्ट्रियाँ विकसित हो और बहुत अच्छा माहौल हम लोग को मिलता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। लेकिन आज ही के डेट में आप तो पत्रकार हैं आपको बेहतर मालूम होगा कि गोरखपुर में 6 यूनिट काम कर रही है, 6 फिल्में बन रही है एक साथ, और पूरे यूपी में तो पता नहीं कितना बन रहा होगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की सपोर्ट ही है जी, बिल्कुल। मैंने भोजपुरी की 3 फिल्में की और तीनों फिल्म उत्तर प्रदेश में की, तीनों फिल्म 100% उत्तर प्रदेश में की और मैक्सिमम आर्टिस्ट यूपी के, मतलब 90-95% आर्टिस्ट जो है वो हमारे यूपी के होते हैं। इस फिल्म में नजर आएंगे इस फिल्म में? हाँ, बहुत। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।